जुनूबी पंजाब में अशिया खुरो नोश पहुंच से बाहर, मुल्तान में लहसुन 700, अदरक 650 रुपए फी किलो फरोख होने लगी, जबकि हरी मिर्च 240, प्याज 180 और टमाटर 130 रुपए किलो दस्तियाब है। बहावलपुर में चिकन की कीमत 650 रुपए फी किलो तक जा पहुंची, बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। ईद करीब आते ही महंगाई में मजीद इजाफा, मुल्तान में दूध और दही की डबल सेंचुरी के बाद भी इनिंग्स जारी, यूटिलिटी स्टोर से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों के मुताबिक आम मार्केट में अशिया मयार मगर महंगी है। ईद की आमद आते ही फकीर वाली के द्वार बाजार में रश, शहरी महंगाई का रोना रोते दिखाई देते, कीमतों को कंट्रोल करने गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई का तूफान आवाम को कर गया परेशान, मुल्तान का सस्ता रमजान बाजार भी महंगा, रियायती ने खुफ रशिया खुरो नोश न मिलने पर शहरी नाला, रिलीफ के मुंतजर सार्फिन घंटों लाइन में लगने लगे। उधर महंगाई से तंग रहीम यार खान के शहरी रमजान बाजार पहुंच गए, अर्जा निरखों पर अशिया जरूरियों की खरीदारी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज, पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान, खत्मी फैसला आज होगा, शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ उठी। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियांवाली में आया से मुबैना ज्यादती का मामला, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब, मरियम नवाज का कहना था मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। गैस चोरी पकड़ने के लिए भी टास्क फोर्स कायम कर दी, रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न मुल्तान सैयद हसैन जफर कहते हैं कि दो माह में कमर्शियल और घरेलू सार्फिन को 4 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना किया। मुल्तान में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां, मिठाई की दुकानों और बेकरीज की चेकिंग, 120 किलो हशरा जदा मिठाई, 15 लीटर ऑयल, 10 किलो जायदुल मियाद अज़ा और 5 किलो मिलावटी खोया तेल। नूरपुर धर्म में बारिश और यालाबारी, तैयार फसलें तबाह, चने के खेत पानी में डूब गए, यालाबारी ने जमीन पर सफेद चादर बिछा दी, भारी माली नुकसान पर काश्तकार परेशान। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान की जिला सदारत मीटिंग, एसएचओ की शिरकत, जराइम की सूरत हाल का जायजा, जेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त यकसू करने की हिदायत। रमजान मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज में मुल्क भर में लाखों फर्जंदन इस्लाम एतकाफ में बैठ गए, अपनी शब रोज इबादत में गुजारेंगे, जनूबी पंजाब की मसाजिद में इज्तमाही एतकाफ के लिए तैयारियां मुकम्मल, मुतकफीन के लिए दर्स कुरान हदीस और शरई मसायल से आगाही के लिए तरबती नशिश्तों का भी एहतमाम होगा। माह रमजान में नेकियां समेटने का सिलसिला जारी, मुल्तान में फलाही तंजीम ले फाउंडेशन के जेर एहतमाम तकरीब, माह सयाम की मुनासबत से माजूर अफराद ने राशन तकसीम, व्हील चेयर भी दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान का एहसन इकदाम, हिफाजती तहवील में लिए गए दो बच्चे वालदेन के हवाले, बच्चों को चंद रोज कबल हिफाजती तहवील में लिया गया था, वालदेन ने शुक्रिया अदा किया। ईस्टर पर मसीही बरादरी के लिए खसूसी तोहफा, डीसी मुल्तान ने मसीही बरादरी में इमदादी चेक तकसीम किए, इंतजामिया की तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद भी दी गई। और मसीही बरादरी आज ईस्टर संडे एहतराम के साथ मना रही है, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के गिरजाघरों में खसूसी दुआया तकरीबा, हासिलपुर की चर्चेज में दुआया तकरीब और इबादत का सिलसिला जारी, मसीही बरादरी का कहना था कि आज के रोज यसु मसीह दोबारा जिंदा हुए थे।